स्वामी विवेकानंद का। बोट के लिए कितना भीड़ है आज, यहाँ से बोटिंग लगे। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज का इस मेरे नए ब्लॉग पे। और आज इस नए ब्लॉग में जाएंगे बूढ़ा तालाब, और बूढ़ा तालाब बहुत लोग तो देख चुके होंगे, अगर आपने जिन्हें नहीं देखा होगा वो आज के इस ब्लॉग के माध्यम से देख लेंगे किस तरह से है, कैसे है, और देखेंगे वहाँ का हालचाल कैसा है। अभी पहले तो अभी देखा था, बीच में काम वाम चल रहा था, अब पूरा काम चल गया कि अभी कुछ कुछ बचा है, कैसा है माहौल वहाँ पर जाके देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ बनिए रहे वीडियो में पूरी तक, मैं आपको पूरे वीडियो को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहते हैं और चलिए चलते हैं वहाँ। गाइस आज तो आज का थोड़ा लंबा सफ़र है, तो यहाँ थोड़ा पैदल चलने पड़ रहे हैं, फिर बाद में ऑटो से जाएंगे। ये है पचपेड़ी नाका और यहाँ पहुँच गए हूँ। यहाँ से ऑटो लेकर मेरे को इधर जाना है पुलिस लाइन तक। यहाँ से ऑटो लूँगा, उसके पुलिस लाइन तक जाऊँगा। तो चलो यहाँ से ऑटो ले लेते हैं, फिर निकलेंगे आगे। यहाँ से ऑटो लेना है, उस साइड जाना है। इस साइड से ऑटो पकड़ना है मेरे को, देखते हैं कोई ऑटो अगर आएगा तो। पुलिस लाइन पहुंच गया। ये भट्टी यहाँ का दोस्तों, ये है चांदनी चौक टू रायपुर, रायपुर का ये चांदनी चौक है का बूढ़ा तालाब जो कि इस कोने का है, और जाना है हमको सेंटर में। फाइनली बूढ़ा तालाब के पास पहुंच गए। ये सामने मंदिर है, इधर ठेला वगैरह लगा है, मेन गेट है, और सामने देख रहे हो पार्किंग है वहाँ पे। चलिए अंदर जाते हैं। अंदर चलते हैं, ये मंदिर है देख लो। ये सामने पार्किंग है, ये गेट है, यहाँ से इंटर होंगे। देखो कितना सुंदर है। देखो यहाँ पे पहले टाइल्स लगा हुआ करता था, अभी निकाल दिया, फिर से कार्य प्रगति पर चल रहा है अभी। तो सीन कुछ इस तरह है। अंदर आ गए बूढ़ा तालाब के, और चल के देख रहे हैं अंदर में क्या क्या, कैसे कैसे है आज कल, और अंदर का माहौल कैसे हैं, कितने लोग पहुँचे हैं नया साल में, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है, यहाँ तक तो टाइल्स लग गए हैं, बाकी उधर से अभी बाकी है, काम चल रहा है। ये देखो बोट है, टाइमिंग सही है आने का, सेंटर है। क्या क्या लगा है गाइस, जय भोलेनाथ। स्वामी विवेकानंद का बड़ा सा स्टैचू जो बूढ़ा तालाब के अंदर बीच में सेंटर में।
भी आज बहुत है, आज नया साल है करके। ये जो है इसके पीछे है लाइटिंग लगाए, यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो खिंचाते हैं। इस बार भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद भी फ़ोटो खिंचा के ही जाना, बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ पीछे साइड। पेड़ वगैरह लगा है यहाँ पे, आगे भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, फ़ोटोशूट बढ़िया जगह है फ़ोटोशूट के लिए। जगह है वो बोटिंग के लिए है, यहाँ से बोटिंग के लिए लोग जाते हैं, बोटिंग के लिए करते हैं सीधा। इस साइड है और इस साइड में देखो बोटिंग के लिए तैयार है बहुत लोग। और उस साइड पीछे में, उस साइड जाएंगे इधर के बाद, पीछे साइड उधर गार्डन है, ठीक है, गार्डन में भी आपको लेके चलूँगा, उधर गार्डन है। यहाँ पहले हम लोग बैठते थे और अभी काम चल रहा है तो यहाँ पे छड़ वाल लगा दिए, अभी काम चल रहा है। कैमरा के लिए मत बोलना, कैमरा उतना खास नहीं है। छोटा सा गार्डन अंदर का, अंदर में छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर है। काफी स्पीड में दिख रहे, देखो चलिए चलते हैं, आपको गार्डन लेके जाता हूँ पीछे साइड का, और गार्डन पे मिलते हैं। इधर का हो गया, चल के बहुत थक गया हूँ तो कुछ खा लेता हूँ। यहाँ पे मोमोस है, मोमोस बहुत दिनों के नहीं खाया तो खा लेता हूँ मोमोस। मंचूरियन मोमोस से भी है? आप लगा दो ना। यहाँ पर मोमोज का ठेला है साइड में, यहाँ पे मोमोज खा रहे थे, बना के दे रहे हैं। ये देखिए मोमोज, अब देखते हैं खा के टेस्ट बताते हैं। इसे सामने वाला इंडोर स्टेडियम है और ये हुआ आपका धरना प्रदर्शन स्थल, जहाँ पे धरना होते हैं। अभी धरना शायद टीचर लोग का चल रहे हैं, वही वाला जगह। ये है इंडोर स्टेडियम, बूढ़ा तालाब के पीछे पूरा दुकान जूते तक लगा है, साइड में पूरा लगा हुआ है, पूरा सो लेना है वो कमेंट करके बताना, बता दूंगा एड्रेस। बहुत सारा शूज राम टाकी, यहाँ भी पुष्पा लगा है, देखना है तो आ जाना। हम लोग इस साइड आ गए हैं, अब जा रहे हैं गार्डन। आज याद यहाँ पे गार्डन साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है, लग रहा है यहाँ कुछ मेला टाइप का हो रहा है, मेला वगैरह लगा है। देखो चलते हैं आगे, देखेंगे तो पता चलेगा आज क्या है। आज यहाँ कुछ फंक्शन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, साइड पार्किंग एरिया है। फायदे हमारे छत्तीसगढ़ के कका, और विजय चौरे साहब एक प्यारा सा नगमा लिखे। और ज़्यादा भीड़ है मरीन ड्राइव से, ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ पे गार्डन वगैरह है, यहाँ कुछ फंक्शन है स्टार्ट हो गया, चल रहे फंक्शन। देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, बच्चों लोग का झूला, यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स, 10 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे झूला लगा है।
कितना भीड़ है आज, देख रहे हो बोटिंग, बोट के लिए कितना भीड़ है आज। यहाँ से बोटिंग फैक्ट्री होता है, काफ़ी लोग लाइन पे लगे हैं। यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से एंट्री, वहाँ से बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर। यहीं पे अब ख़त्म करते हैं, फाइनली पूरा हो गया, घूम चुके हैं, नहीं तो ब्लॉग और लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे बंद करते हैं और चलते हैं। अब फिर बताइएगा क्या क्या देखा आपने, क्या क्या नहीं देखा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर दूसरा नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।